कहाँ गए थे? कहाँ गए थे तुम लोग? वीडियो बना रहा है देखो भाई। बोला लूडो खेल रहा है। ये लूडो खेलता है, फोन नहीं उठाता मेरा। उधर से, उधर से एक एक लोग, उधर से एक लोग, इधर से एक, इधर से आ जा। गाड़ी का टायर पंचर हो गया दोस्तों। कई रुपया लोगे भैया टायर बनाने का? कितना देते हो तुम? वैसे तो यार उसके लिए गाड़ी पंचर नहीं थी, उसकी वाल जो है वाल लीकेज है, तो वाल पिन डलवा लेते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल समीरन ब्लॉग में। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज है मंगलवार और मैं अभी जस्ट गाड़ी निकालने जा रहा हूँ। तो कल मंडे था, तो कल मैंने गाड़ी नहीं निकाला था, तो अभी जस्ट मैंने गाड़ी यहाँ पे रख दिया। बैग और ये मेरी डिग्गी लूज है, तो यहाँ पे कपड़ा लगा के ही मैं डिग्गी बंद करता हूँ। छाता तो यहाँ पे रख दिया है और गाड़ी दो दिन से खड़ी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी और फिर चलते हैं ड्यूटी पे। दोस्तों कंटिन्यू चार दिन हो गया बारिश होते होते, और अभी मॉर्निंग में भी देखिए बारिश हो रही है, रात में भी बहुत बारिश हुई है। मेरा घर टपकता है दो जगह से, तो वहाँ पे मैंने बाल्टी रख दिया था और वो दोनों बाल्टियाँ भर गई थी टपक टपक के। सुबह देखा तो उनको मैंने फेंका पानी को। हर रोज़ सोचता हूँ कि जल्दी निकालूंगा गाड़ी, जल्दी निकालूंगा, और हर बार मैं 8:30 बजे उठ पाता हूँ। अबे तो उठता क्यों है, और जल्दी गाड़ी निकाला कर। कल से गाड़ी बहुत जल्दी निकालूंगा मैं, कल सुबह से 7 बजे से गाड़ी निकालूंगा। लेकिन क्या करूँ यार, लेट हो जाता है, नींद ही 8 बजे खुलती है, फिर आधा घंटा तो उठते उठते लगता है, फिर रेडी होने के लिए आधा घंटा लगता है, फिर आधा घंटा निकलते निकलते लगता है। तो इतना मत लेट किया कर बेवकूफ। मेरे दोस्त राहुल का फ़ोन आया है, तो मैं जा रहा हूँ अभी फिल्म सिटी, और फिल्म सिटी में थोड़ा सा उसके साथ टाइम बिताएंगे और कोशिश करेंगे अगर कोई सीरियल फिल्म की शूटिंग हो रही है तो आप सभी को भी दिखाऊंगा। फिल्म सिटी में जब एंट्री करोगे ना दोस्तों, तो आपको दो जगह आपको पुलिस रोकेगी, जो पूछते हैं वो कहाँ जाना है, किस सेट पे जाना है, किस प्रोडक्शन में जाना है। तो आप उसका जवाब सही सही देंगे तो आप जा सकते हो, अगर गलत निकला तो आपको वापस कर देंगे वहीं से। दो समोसे देना मुझे। अच्छा ये लिट्टी है और ये समोसा है। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे तुम लोग? वीडियो बना रहा है देखो भाई। बोला लूडो खेल रहा है। ये लूडो खेलता है, फोन नहीं उठाता मेरा। ये देखो, ये हमारा दोस्त प्रकाश है, इसको कभी भी फोन करो, ये बातें करते बातें करते रहते हैं गांव में भौजी के साथ। हाँ। ऐसा ये देखो, मैं समोसा खा रहा हूँ। ये देखो, और हम लोग का नाश्ता ऐसे आता है सर, देखिए ये देखिए, ये टीन खोलने का, इसमें रहेगा देखिए लिट्टी रहे, किधर है पिट्टी समोसा, ये और ये चटनी जो बनती है गांव के हिसाब के चटनी बनती है देखिए। समोसा कम पापड़ी अच्छी लगती है। हाँ 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 हाँ, चले ठीक है दोस्तों, बाय। आज बहुत दिन बाद मिला है भाई मेरा। जल्दी आ जा, आज प्रकाश तू भी आ जा गाड़ी में, बारिश हो रही है। उधर से, उधर से एक एक लोग, उधर से एक लोग, इधर से एक, इधर से आ जा। बस 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 जल्दी आ जा। 3 बज गया यार और अभी तक खाना नहीं खाया। खाना मतलब क्या, टिफिन भी नहीं लाया था, और एक्चुअली फिल्म सिटी गया तो दोस्त के साथ में, वहाँ पे 1-2 घंटा वहाँ पे रुक गया, बातें करने लगा, और वहाँ से बुकिंग लेके अभी आया हूँ ताड़देव। ताड़देव के बाद यहाँ पे देखेंगे कोई मिलती है होटल तो खा लेंगे, वैसे भूखे ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं भूखा क्यों रह जाता हूँ यार, मुझे हर बार वही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इसलिए टिफिन ही लाता हूँ, और टिफिन जब लाता हूँ तो खाता नहीं हूँ, इसलिए टिफिन मिलता नहीं है घर से। तो मैंने पूरी भाजी लिया है ऑर्डर, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए बम्बई छोड़ के चला जाऊँगा। क्या बोलते, अभी बम्बई छोड़ के जाएगा तो गांव में क्या कमाई है? कुछ भी है, लेकिन गांव की लाइफ बहुत अच्छी है। वहाँ का 100 रुपया और यहाँ का 500 रुपया बराबर ही है, क्योंकि यहाँ जो आप 500 कमाओगे और वहाँ पे 100 रुपये कमाओगे गांव में, तो कौन से रहोगे? ये बात तो सही है, गांव में रहना चाहिए, तो इसलिए अब गांव चला जाऊँगा, मुंबई छोड़ रहा हूँ। गाड़ी का टायर पंचर हो गया दोस्तों। मैं अभी खाना खाने जा रहा था और देखा तो आधी हवा निकल गई है, अच्छा हुआ, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे पे था तो वहाँ पे पंचर नहीं हुआ, तो आधी हवा निकल गई। तो मैं आया हूँ टायर वाले के पास, टायर बनवा लेते हैं और आप सभी को भी दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पे है। कई रुपया लोगे भैया टायर बनाने का? कितना देते हो तुम? वैसे तो यार 80 और 100 रुपया लगते हैं।
हाँ नहीं, बहुत बहुत जगह ना कम ज्यादा होता है ना, कोई फिक्स नहीं है ना इसका, इसके लिए बोला मैंने। हम लोग रात के टाइम में, हाँ वही तो कह रहा ना मैं। तो किला देखते हैं, अभी चेक किया जाएगा कौन सा किला लगा हुआ है। नहीं दिखा यार किला, यहीं पे होगा कहीं। टायर हैंड ब्रेक छटाना पड़ेगा लगता है, लगा हुआ है। एक्चुअली गाड़ी पंचर नहीं थी, उसकी वाल जो है वाल लीकेज है, तो वाल पिन डलवा लेते हैं। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, देख लीजिए। बहुत देख लीजिए भैया, वाल अभी चेंज कर रहे हैं गाड़ी की, और वाल डलवाने के बाद इनको पैसे दे देंगे, फिर हम हवा निकली पूरी। तो दोस्तों वाल मैंने बदलवा दिया है गाड़ी का, 40 रुपया दिया है, 30 रुपया हो रहा था, तो मैंने उनको 10 रुपये टिप दे दिया और वो भी खुश हो गए। मैं तो डर गया था, मैंने कहा कि भाई मेरे पास स्टेपनी भी नहीं है, अगर पंचर हो गई तो मैं जगह पे खड़ा हो जाऊंगा, फिर बाद में ये भी दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि अभी 10:30 बजा हुआ है और उसके बाद में दुकानें सब बंद हो गई थी। ये पेट्रोल पंप है ना, तो पेट्रोल पंप की वजह से जो है ये दुकान खुला थी। तो आप निकलते हैं दोस्तों और पहले खाना खाते हैं चल के। होटल में आ गए हैं, अभी खाना ऑर्डर करते हैं। और एक काम करिए, दाल फ्राई और दो चपाती, तंदूरी रोटी, दो तंदूरी रोटी और दाल फ्राई। दोस्तों अपना ऑर्डर आ गया है, देखिए दाल फ्राई, चपाती, ये तंदूरी रोटी गरम गरम, और ये है सैलेड। दोस्तों खाना खा लिया, ये देखिए मेरा बिल है 65 रुपीज़। बारिश भी कम हो गई थोड़ी सी, और गाड़ी मैंने वहाँ पे सामने लगाया हुआ है जो कि दिखेगा नहीं, जूम करना पड़ेगा। ये देखिए इधर दोस्तों, अभी रात में 2 बज गया है और मैं हूँ अभी थाने में। तो थाने में मेरा दोस्त का भी कॉल आया था, तो उसकी गाड़ी का कांच किसी ने तोड़ दिया है, बाइक वाले ने। तो ये इन्होंने क्या किए है कि बाइक वाला लेफ्ट से क्रॉस कर रहा था, ओवरटेक कर रहा था, इन्होंने लेफ्ट दबा दिया गाड़ी, तो उसके साइलेंसर थोड़ा सा टूट गया था। तो उसका ये 1000 रुपया मांग रहा था वो बंदा, तो इन्होंने पैसा नहीं दिया और पुलिस को बुला लिया। तो वो बंदा क्या किया, इनकी कांच पे पत्थर मार के चला गया। तो आगे का फ्रंट कांच टूट गया है, तो वो कंपनी में लाया है अभी गाड़ी चेंज करवाने के लिए। तो कंपनी बोली है कि सुबह जब आएंगे मिस्त्री तो चेंज करके दूंगा, या तो फिर मैं आपको दूसरी गाड़ी दूंगा। यहाँ पे जो ये एरिया है, ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली है। लोग यहाँ पे मतलब दिन में आपको टैक्सी लाना या कैब लाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। और देखिए अभी सब एकदम सुनसान हो गया है, क्या करेंगे अभी। अभी बुकिंग भी नहीं आ रही है, तो अब मुझे सोना पड़ेगा। और नींद तो आ नहीं रही है, लेकिन क्या करें दोस्तों, सो जाते हैं। और 4 बजे के बाद बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, तो बस तब तक रेस्ट कर लेते हैं। 3:30 बजा हुआ है और मैं अभी यहाँ पे कस्टमर को लाया था, और एकदम सुनसान है। और अब कहीं पे गाड़ी साइड में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, कंटिन्यू बारिश होती है, तो कभी भी पेड़ के नीचे गाड़ी नहीं लगाना चाहिए। पेड़ के नीचे और नारियल का जो पेड़ होता है उसके नीचे खास करके, क्योंकि नारियल टूट के गिरते हैं और पेड़ की डालें भी फटती रहती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी गाड़ी कहीं साइड में लगाऊंगा, मतलब हाईवे के पास में, ताकि ऊपर पेड़ वगैरह ना हो। और फिर वहीं पे 1-2 घंटे के लिए सो जाएंगे, अलार्म लगाएंगे, 5 बजे उठेंगे, फिर कंटिन्यू ट्रिप करेंगे दोपहर तक, फिर घर जाएंगे। तो भाई मिलते हैं 5 बजे मॉर्निंग में, और अभी सोते हैं। तो देखिए मैं कैसे, इतनी छोटी गाड़ी है तो पैर सीधे नहीं होते, बट मैं कैसे सीधे करता हूँ, कैसे सोता हूँ मतलब गाड़ी के अंदर, वो आप सभी को बताता हूँ। देखिए ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर अपना यहाँ पे अपनी मुंडी होती है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मैं पैर रख के ऐसे यूँ, और यूँ ऐसे सो जाता हूँ। तो ये मतलब पैर भी सीधे हो जाते हैं और आराम से, देखिए मैं लेटा हुआ हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ कस्टमर को, जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। कच्चा रूट देख लीजिए, पूरा कच्चा है रूट, और ये जो इस रूट पे मिट्टी नहीं, रेती पड़ी हुई है, रेती। मॉर्निंग में 9:30 बजे तक ट्रैफिक नहीं रहती है, तो फटाफट ड्राइव भी हो जाएगी,
और ट्रिप भी कंप्लीट हो जाएगी। गाड़ी हाईवे के पास लगाया, एक चाय पीते हैं पहले, फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा सा। फाइनली अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो अभी 11 बजा हुआ है मॉर्निंग में और बारिश तो हो रही है, देख लीजिए एनी टाइम बारिश होती रहती है और इतनी बारिश हो रही है कि मतलब आती है जाती है, आती है जाती है, मतलब ऐसा है। तो चलते हैं घर पे दोस्तों, भाई यहीं पे ब्लॉग को एंड कर देते हैं और मिलेंगे आप सभी को नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।